गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो वेलकम टू बीएससी फोरम, और आज हम पढ़ेंगे एसी एंड डीसी सर्किट ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, एसी और डीसी सर्किट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। पहले सबसे बेसिक चीज़, सर्किट एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्किट एलिमेंट क्या होता है? तो सर्किट एलिमेंट में इस चैप्टर में जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो है रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर में क्या होगा कि एक पॉइंट ए है, ये बी है, इस तरह से रेजिस्टर का डायग्राम शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है वी आर इज इक्वल्स टू आई आर, इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, इतना आपको रेजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इंडक्टर पे। इंडक्टर का जो फिगर होता है, मतलब इंडक्टर को किससे डिनोट करते हैं, तो इंडक्टर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वी एल इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, और इसका यूनिट होता है हेनरी। हेनरी इसका यूनिट होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आते हैं हम कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का जो, जिससे हम कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ए बी और क्यू, इसमें चार्ज फ्लो करता है, और सी। तो वी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, नोन एज कैपेसिटर, और इसका जो यूनिट होता है वो फैराड होता है। और ग्रुप ऑफ कैपेसिटर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ करेंट इन एलआरसर्किट। एंड सिर्फ यही टॉपिक, मतलब सिर्फ इसी का प्रूफ हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लियर इम्पॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले एलआर सर्किट है, तो इंडक्टेंस का वो रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर रेजिस्टेंस का, और फिर ये सर्किट एक वोल्टेज से जा कर के जुड़ जाएगी। वोल्टेज मतलब बैटरी होता है प्लस माइनस वाला, तो भाई ये इस करके बना देने कुछ लोग होंगे महान, इसमें प्लस माइनस का बैटरी है, ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस और ये एल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब हम इसको अब बोल देते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, कंसिडर अ सर्किट हैविंग एन इंडक्टर एल। एल एक इंडक्टर है, उसका एक सर्किट ले लिए हैं। ठीक है, इन सीरीज के साथ है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस और ये सीरीज में पैरेलल ऐसे होता है, ये पैरेलल होता है कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में है कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, दो कॉम्बिनेशन ले लेंगे, इस तरह से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस वाले फिगर में वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें जब हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस ये वी इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ये हो जाएगा आई आर, अप्लाइंग वोल्टेज लॉ लिख लीजिएगा, माइनस वी। माइनस वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ठीक है वोल्टेज लॉ लगा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर होगा, ये वी इधर आएगा और ये आई आर इधर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमें डी आई बाई डी टी निकालना है, ठीक, ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है, मतलब करंट का ग्रोथ निकालना है, तो मतलब डी आई बाई डी टी ही निकालना रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम कि एल डी आई बाई डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर आया है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम डी आई अपॉन वी माइनस आई आर लिख सकते हैं,
और इसको हम लिख देंगे 1/L dt, इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसको x लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर, ये इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन ही आपको आना चाहिए। इसमें डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आर डी आई हो जाएगा, ये v कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, और ये r इधर आ जाएगा, आर डी आई हो जाएगा। डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1/r dx, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसमें हम इसको पुट करेंगे तो आएगा माइनस 1/r dx, di की जगह ये हो जाएगा, और v माइनस आई आर को हम x लिए हैं वो हो जाएगा 1/L बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और ये डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx/x। 1/r बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, मान लीजिए इधर भेज दिए, माइनस r/L हो जाएगा, तो dx/x हो जाएगा। तो dx/x क्या होता है, log x इज इक्वल्स टू माइनस r/t, सॉरी r/L था ना, t का तो कोई वहाँ पर यूज ही नहीं था, r/L और टी प्लस सी, ये आपका है इंटीग्रेशन करने से, इसका जब इंटीग्रेशन किए हैं, अरे इसका नहीं, सेकंड वाला जो था r/L तो यहीं पर आ गया था, और यहीं पर आ गया था, और फिर उसके बाद आपका ये r/L t + c, क्योंकि ये कांस्टेंट लिखते हैं, c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया। अब आते हैं, अगर इनिशियल कंडीशन लेते हैं, इनिशियल कंडीशन t = 0 और i = 0, तो log ऑफ v माइनस आई आर इक्वल्स टू माइनस r/L t + c, ठीक, जब इसको करेंगे हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू c, क्योंकि i की वैल्यू 0 तो r भी 0 हो जाएगा, मतलब log v माइनस आई आर में अगर वैल्यू रखेंगे तो आई आर तो 0 ही हो जाएगा पूरा, उस हिसाब से अब c की जगह log v रख देंगे, तो log v माइनस आई आर इज इक्वल्स टू माइनस r/L t + log v, ठीक है, log ऑफ log of v minus ir is equals to minus r/L t + log v, और अब हो जाएगा log of v minus ir upon v, उधर plus v तो इधर minus करेंगे, log of m minus n जो होता है वो log m upon n होता है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा minus r/L, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, लॉग को हम कैंसिल आउट करेंगे, जब लॉग हटाते हैं तो इधर एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा वी माइनस आई आर अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस r/L t, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी माइनस आई आर इज इक्वल्स टू वी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस r/L t, फिर से इसको करेंगे तो v, मतलब इसको इसको इधर ले आएंगे तो v कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - exponential of r/L t = ir। अब क्या निकालना था, हमें निकालना था ग्रोथ इन करंट, तो करंट आ जाएगा i = v/r, 1 - exponential of r/L t, ये आपका आ गया i, ठीक है। और अगर आई नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट जो है उसमें अगर हम लेट करते हैं i0 = v/r, और जो टाउ है उसको l/r, l/r को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसमें
क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो ये जगह आई नॉट वन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाई आर बाई एल माइनस आर बाई एल, तो ये जगह टाउ एल अपॉन आर हो जाएगा, तो वो हो गया टाउ। ये आपका ये इम्पॉर्टेंट है, और पिछले वीडियो में सॉरी पिछले जो स्लाइड में था वो भी इम्पॉर्टेंट था। इसी से आप कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखने वाली बात है, मतलब ये ध्यान होना चाहिए आपको कि हाँ यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला होता है। ये अगर फॉर्मूला, क्योंकि क्या होता है कि प्रूफ तब हो पाता है अगर आपको ये क्लियर रहता है, तो ठीक है ले लीजिए। मैंने आपके लिए बहुत ही मोटे इंक से इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हम आते हैं कि टाउ की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, टाउ इज इक्वल्स टू एल बाई आर और स्कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। आई नॉट जो है वो मैक्सिमम करंट था, और इस इक्वेशन में ई की वैल्यू जो होगी वो होगी 2.7145। इस इक्वेशन में नहीं, ई की वैल्यू ऑल द टाइम, मतलब हमेशा ई की वैल्यू जो होती है वो 2.7145 होती है। और अब आ जाएगा फाइनल आंसर, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये आपका फाइनल इक्वेशन बनकर के आ गया ग्रोथ इन करंट, ठीक है। अब वीडियो में एंड करना चाहती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई के पावर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 2.7145 क्यों आती है। ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 upon x upon 1 factorial प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 factorial प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 factorial प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़िए और क्या कर सकते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो e का वैल्यू आएगा e इज इक्वल्स टू 1 plus 1 upon 1 factorial प्लस 1 upon 2 factorial प्लस 1 upon 3 factorial, तो ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 और 1 upon 2 factorial क्या हो जाएगा 0.5 और 1 upon 3 factorial हो जाएगा 0.166, तो नियर अबाउट आंसर आ जाएगा 2.7145, ठीक है। इस तरह e की वैल्यू आ गई। सो एट लास्ट थैंक यू, बाकी के टॉपिक्स जितने भी बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। और सबसे पहले हम इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम मतलब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम डी के पढ़ेंगे एंड में, और इस तरह करके हम बहुत सारे स्लाइड में उसको कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।